कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना लाखों बेगुनाहों की हत्या करने वाली खूंखार आतंकवादी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से करने पर दिशा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन देवबंद द्वारा विरोध स्वरूप कांग्रेस का पुतला फूंककर रोष प्रकट करते हुए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हिंदू को बदनाम और अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहले हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की शय पर समय समय पर कांग्रेस नेता हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करते रहते हैं। ये सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया जाता है। उन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगाने और सलमान खुर्शीद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दो समुदाय के बीच खाई पैदा करने के अपराध में कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। आज हमने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने पुस्तक लिखी है सनराइज ओवर द अयोध्या, और उस पुस्तक में सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की तुलना दुनिया भर में अपने खूंखारपन के लिए, कातिलपन के लिए मशहूर इस्लामिक स्टेट ऑफ वर्ल्ड जो एक आतंकवादी संगठन है, बोको हराम एक संगठन है जो निर्दोष लोगों की बेगुनाहों की प्रतिदिन हत्या करता है, लाखों लोगों के कातिल, उनसे तुलना करके हिंदू धर्म का अपमान किया है। और ये सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सह पर हुआ है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदू विरोधी पार्टी रही है और उसकी सह पर कांग्रेस के नेता समय समय पर हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति अपमानजनक और जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करते रहते हैं। आज हम सब साथियों ने इसके विरोध में सलमान खुर्शीद का, कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया है और सरकार से मांग की है कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए। सलमान खुर्शीद के विरुद्ध हिंदू धर्म की अपमान करने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करें। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी अपनी हताशा में, अपनी निराशा में हिंदुओं को बदनाम करके मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही हैं, और बहुत बार अनेकों बार ऐसा किया। हिंदू धर्म कभी भी, हिंदू धर्म के मानने वाले कभी भी आतंकवाद जैसी घटनाओं में शामिल नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा सबको वसुदेव कुटुंबकम सर्वे बंतु श्रीरामया सर्वे बंतु सिद्धांत के तहत सब निरोगी हों, सबका भला हो, सबका मंगल हो, इसी भावना के तहत विश्व कल्याण के लिए हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी रोज प्रार्थना करते हैं। कण कण में भगवान को मानकर मानव कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे हिंदू धर्म के बारे में ऐसे की टिप्पणी करना कांग्रेस नेताओं के वालियापन काम के नकारेपन को दर्शाता है। आज हम सब इस सब के विरोध में पुतला जलाया है और इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।